विद्याश्री इंटरनेशनल स्कूल के नौवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर हैं, स्वस्थ हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज पुस्तक से पाठ एक दो बैलों की कथा की कहानी को संक्षिप्त रूप में देखते हैं, किसमें लेखक प्रेमचंद क्या बताना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वह उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को सिर्फ रूखा सूखा दिया जाता था। अतः दोनों ने क्या किया, रस्सी तुड़वा कर झूरी के पास भाग गई। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। वो दोनों भी काफी खुश हो गए थे, मगर जो उसकी पत्नी थी, झूरी की जो स्त्री थी, उसको उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और मजदूर को भी बोल दिया कि इन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही खिलाया जाए। दूसरे दिन फिर झूरी का साला उन्हें लेने आ गया। फिर दोबारा से उनसे कड़ी मेहनत करवाई, लेकिन खाने को वही सूखा भूसा। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही, लेकिन हीरा उसे बहुत समझाता था। मोती बड़ा गुस्सेल था, लेकिन हीरा सर्वदा धीरज से काम करता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण वो दोनों पकड़े गए। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। वहां पर एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी और जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसे बहुत मारती रहती थी। इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की अंदर से आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे दो रोटियां डालकर जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग गए। झूरी का साला और दूसरे लोग सब उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि वो वहां से आजादी प्राप्त कर चुके थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड आया, उसके साथ उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुदा फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहां और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी नहीं भागा। कांजी हाउस के मालिक को जब पता लगा तो उसने मोती की खूब मरम्मत की, उसकी खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कौनजी हॉर्स के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को भी ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब तो उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना लगा। उनका घर नजदीक आ गया। दोनों खुशी खुशी उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों, झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। तो ये थी दो बैलों की कथा। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कहानी समझ में आई होगी।